के अंदर बात करने वाले क्लूज वर्सेस बीएसके के बीच होने वाले आज के पहले ईसीएस T10 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, जीएल में आप कैसे पैसे कमा सकते हो, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम मैच जीत सकती है, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, ये जब आपको वीडियो में एक टीम बनाऊंगा जरूरी नहीं है कि फाइनल टीम होगी, जिस भी टीम से मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहां पे 73,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले इससे फ्री में ज्वाइन है, अभी ज्वाइन हो जाना, आगे ना कोई भी मैच जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं है, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो जैसे ही आप उसके टाइटल का क्लिक करोगे सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, सबसे ऊपर आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि देखो क्लूज की टीम ने इस सीजन से पहले अपना कोई मैच खेला नहीं है, इनकी टीम नई टीम है, तो सबसे पहले इनके प्लेयर्स की बात करो, देखो एस नादी गोतला जो कि मेनली बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह कि कई सीजन में ये बल्लेबाजी में 7 नंबर पर भी शो किए जाते हैं और 7 नंबर पर भी भेजे जाते हैं, तो कंफर्म नहीं है कि ऐसा ओपनर ही खेलेगा इस सीरीज में। तो सबसे पहले पहले मैच में ईसीएन का ऑफिशियल बल्लेबाजी क्रम जब आएगा उसके ऊपर ये देखना है कि ये किस नंबर पे शो कर रहा है, लेकिन ले करके चलना है क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में इसके अलावा कोई अच्छा प्लेयर है नहीं। आखिरी के जो इसने 40-41 मैचेस खेल रखे वहाँ पे इसने 583 रन बना करके दिया हुआ है, एज अ विकेट कीपर आपको खेलते हुए नजर आने वाला है। बल्लेबाजी ऑप्शन है एस पेरियालवाल जो कि मेनली बल्लेबाज है, बल्लेबाजी में आपको 4 नंबर पे आएगा, हर बॉल पे छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, और आखिरी के जो इसने 10 मैच खेल रखा है वहाँ पे बल्लेबाजी में इसने 270 रन करीब बना करके दिया हुआ है, यानी कि काफ़ी इन फॉर्म बल्लेबाज है, लेकर के चलना है। बाकी यहाँ पे बिल्कुल भी कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, किसी का ऊपर भी आपको रिस्क लेने का नहीं सोचना है। यहाँ से सबसे पहले वासु सैनी जो कि कई बार बल्लेबाजी में 5वें नंबर पे आता है, कई बार ये बल्लेबाजी में 3रे नंबर पर भी आ सकता है, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा। आखिरी के जो इसने 30 मैचेस खेल रखे हैं वहाँ पर इसने बल्लेबाजी में भी आपको 600 प्लस रन बना करके दिया हुआ है, 623-24 ऐसे कुछ रन बनाया हुआ है, और बॉलिंग से भी 30 मैचेस में जो इसने मैच खेल रखा है वहाँ पे 22 मैच में बॉलिंग कर रखा है, जहाँ पर इसको बॉलिंग से 22 मैच में 16 विकेट भी मिले हुए हैं, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज आपको करके दे सकता है। तरनजीत सिंह जिसका T10 के मैच में एवरेज 33 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है, 33 का एवरेज है, आखिरी के 41 मैचेस में इसने 1200 के करीब रन्स बना करके दिया हुआ है, और बॉलिंग से भी 41 मैचेस में आपने देखा हुआ है जहाँ पे 33 मैच में बॉलिंग कर रखा है, जहाँ पर इसको बॉलिंग से 32 विकेट भी मिला हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो तरनजीत सिंह ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए, एक्सपीरियंस और जिस तरीके का प्लेयर है, क्लासिक प्लेयर है, उसी हिसाब से वी सैनी ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, तरनजीत सिंह भी काफ़ी बड़े लेवल का प्लेयर है, ये दोनों आपको लेकर के चलना है। अब इसके अलावा एम इफ्तिगर अहमद जो कि T10 के मैच में मेनली बॉलर है, बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आएगा, आखिरी के 6 मैच में इसको बॉलिंग से 4 विकेट के करीब मिला हुआ है। आर अथापथु जो कि एक सही प्लेयर है, आर परेरा ने T10 का तो कोई मैच खेला नहीं है, 20 ओवर के डोमेस्टिक लेवल का सही किया हुआ, आखिरी के 14 मैच में 180 रन बना करके आया, बॉलिंग से भी इसको 11 विकेट के करीब मिला हुआ है, लेकिन वो 20 ओवर के लेवल का रिकॉर्ड है, और आर अथापथु भी सही प्लेयर है, आखिरी के 19 मैचेस में इसने बॉलिंग से 14 विकेट के करीब लेकर के आ रहा है, तो ऐसा बॉलर आपका मन है आप लेकर के चल सकते हो, बाकी अभी मैं रिस्क लेकर के नहीं चलूंगा। गौरव मिश्रा नाम भले इसका बॉलर्स में, लेकिन कामयाब का ऑलराउंडर्स वाला कभी भी करके दे सकता है। आज से 2 साल पहले मैंने कई ऐसी सीरीज देखा हुआ है जहाँ पे गौरव मिश्रा बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आया हुआ है, तो कभी भी टॉप ऑफ द पे बल्लेबाजी के लिए आ सकता है, प्लस आपको बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करेगा, आखिरी के 20 मैच में इसने बल्लेबाजी में भी 290 करीब रन बना करके दिया हुआ है, और बॉलिंग से भी 20 मैच में इसको 18 विकेट के करीब मिला हुआ है, तो लेकर के चलने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप चाहो तो आर यहाँ से अराज चीजे को लेकर के चल सकते हो, आखिरी के 6 मैच में इसने 5 मैच में बॉलिंग कर रखा है जहाँ भी इसको 5 विकेट भी मिला हुआ है, यानी कि हर मैच 1 विकेट के करीब लेकर के दे सकते हो। सी अंजना
10 ओवर के लेवल को इसने इससे पहले कभी मैच नहीं खेला, 20 ओवर के ऊपर कमाल की बॉलिंग करके आया हुआ है। आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से इसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जाएगा। आखिरी के 12 मैचेस में इसको बॉलिंग से 12 विकेट भी मिला हुआ 20 ओवर के लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। वहीं सामने जो बीएसके की टीम है जो कि पहले ही खेल चुकी है, वहाँ पे ती अंसारी को लेकर के चलूंगा, एन शेख को लेकर के चलूंगा बॉलिंग से, दोनों दो दो ओवर पूरा करेंगे। ती अंसारी बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आएगा। आर रिदॉय जो कि बीएसके की टीम ओर से कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन इसका बल्लेबाजी क्रम भी अब नीचे कर दिया, बॉलिंग से भी मैक्सिमम एक ओवर कर रहे हैं, वो भी आखिरी मैच में इसने एक भी ओवर नहीं किया हुआ है, तो लेकर के नहीं चल रहा हूँ। एम असिकुल रसाना जो कि मेनली बॉलर है, बॉलिंग से आपको दो ओवर पूरा करेगा, बल्लेबाजी में सिक्स रनों के करीब आएगा। आर रेजा आखिरी मैच में खेला ही नहीं गया, अगर खेलेगा भी तो एक ही ओवर बॉलिंग करेगा, लेकर के नहीं चलूंगा। एस नाथ नाम वाली बल्लेबाजों में लेकिन काम ही आपको ऑलराउंडर्स वाला करके देने वाला है, बल्लेबाजी में भी आपको एज अ ओपनर आएगा, बॉलिंग से भी आपको दो ओवर पूरा करेगा। नईम यहाँ से हुसैन जो कि बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ जाएगा, बॉलिंग से भी कई बार एक एक ओवर करके दे सकता है। ऐसी याद बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, बल्लेबाजी में सेवन नंबर करीब आएगा, बॉलिंग करेगा नहीं, कोई यहाँ से इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, बिना कुछ भी सोचे किसी को लेकर के मत चलना, दोनों से इनमें से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। क्या इसी में कैप लेकर के चलने वाला हूँ जिसका नाम है, यहाँ से तीन अच्छे प्लेयर रहेंगे, पहला नाम है वी सैनी का, दूसरा नाम है तरनजीत सिंह का, और तीसरा नाम आपको देखने मिलेगा एस नाथ का। ये तीनों प्लेयर आपके लिए एज अ कैप इसी सबसे अच्छे प्लेयर रहेंगे। अभी मैं सोच ही रहा हूँ कि वी सैनी को एज अ कैप, तरनजीत सिंह को एज अ वीसी लेकर के चला जाए। ये एक हमारे या फिर आप चाहो तो इसको इंटरचेंज करके भी चल सकते हो। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं लाइनअप आने के बाद इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारे जिस भी वीडियो को देख रहे होगे उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पहले पिन के आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना।